में जाने से पहले अरे पांडा इतनी मिले पांडा थे सोचा यार था हम आप लोग। और आप कर रहे थे मेरे। हाँ वो थोड़ा सा दिखा दो, जैन भाई यही तो चलता है, यही चलता है ना, वो ही यार ट्रेंड है भाई, और क्या चाहिए। इधर आ, अच्छे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो भाई। हाँ अभी स्टारबक्स के अंदर ऐसे जाओगे घर में घूमा बोलेंगे इग्नाइट लॉन्च के इसमें मैं पहुंच गया था ऐसे तो मैंने सही है भाई, जो दिखता है ना वही दिखता दिखता है ब्रो। और मेरे को एक बात बताओ, मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग बॉडी पे? सही सही बात है, बताने के लिए। यस ऑफ कोर्स, अरे कुतुब रुक जाओ, मचाना है बंद मत। नहीं नहीं बोला भाई, थोड़े यहाँ हाँ जाओ, किसको फोटो चाहिए? हाँ कुछ का सवाल हमारे हाँ जा हमारा आगे भाई अजीशन भाई, हाल ही में अपने देश में जो शर्मा घटना घटी है, जो एक ये रेप केस जो हुआ है अभी हाल ही में, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है आपको? मेरे को ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं है अभी फिलहाल तो, क्योंकि जैसा ये सब हो रहा था बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसके जिसे मुझे भी ध्यान देना पड़ रहा है, जिसके बारे में जब से मैं इविक्ट हुआ हूँ तो मैं अप टू डेट नहीं रह पाया हूँ जब से मैं और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो रियल दुनिया है, क्योंकि वो बिग बॉस की दुनिया बहुत ही अलग है, मैं रियल दुनिया में जोन इन होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है। बट आई गेस अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आई थिंक यार इट इज़ वेरी सैडनिंग, दुख होता है सुन के कि ये सब चीज़ें हो रही है, एंड आई होप प्रॉपर जस्टिस मिले और कुछ ऐसा हो कि बस ये चीज़ें हो ना, बिकॉज ये बहुत सैडनिंग चीज़ होती है। तो बस मुझे, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा क्या हुआ, मैं जैसा कि मैंने कहा मैं अभी भी जोन इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा तो कहीं ना कहीं आज भी आप ये कह सकते हैं कि आज भी अपने देश में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं या? यार आई थिंक ना यार महिलाएं सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ये महिलाओं पे ब्लेम करके कि यू नो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को ढकना चाहिए, दिस अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। आई थिंक जो हम एज मैन, हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बॉस दिस इज़ नॉट राइट, अगर हम ये नहीं कर सकते यार, हमें एक रिस्पेक्ट देनी होती है महिलाओं को। तो आई थिंक अगर आपके, अगर हर एक आदमी में वो एक रिस्पेक्ट आ जाए फीमेल्स की तरफ, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स विथ अस लेटर वी, बिकॉज वो हो जाता है ना कि अगर आप एक उंगली पॉइंट कर रहे हो तो तीन आपके तरफ पॉइंट कर रही है भाई। तो सबसे पहली बात अपना, हम सबको अपने आप पे काम करना चाहिए rather than you know other things। बट हाँ आई फील के यार हर एक के अंदर अंदर होना चाहिए ये कि वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन एंड नॉट डू दीज थिंग्स, बिकॉज ये बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है। गिरी हुई भी मैं बहुत ही ज़्यादा है आई थिंक, उससे कोई नीचे शब्द मिल नहीं रहा मुझे, दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग आई थिंक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, एंड इट इज़ सैडनिंग, इट इज़ सैडनिंग, एंड आई होप कि ये सब चीज़ें बंद हो जाए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉफ़ी हाँ हाँ काम को देखो, बताए जब मैं घर में गया ना तो मेरे को लगा कि मेरे पास ऐसी चिट्ठी है, मैंने देखा मेरे जैसा एक और बंदा था जो ऐसी चिट्ठियाँ पहन रहा था, उन्होंने बोला यार ये कौन है, बोला गावा गावा तेरी मेरी सेम है, बोलते हाँ भाई, मैंने बोला ऐसा तो हम लोग ही, मेरी और गावा की पहले से ही दोस्ती एकदम बन के आई थी, ऊपर से लिख के आई थी पक्का चड्डी बड्डी थे हम लोग। किशन भाई समिता की जो जोड़ी थी घर में हाँ, अब वो नहीं रही, टूट चुकी है, तो अब तो सारी जोड़ियाँ टूट गई। मैं तो ये बोल रहा था जब मैं घर में था तब ये सब क्यों नहीं हुआ, हाँ अभी जोड़ियाँ टूटी तो ठीक है, होता है जो होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। और अभी आई थिंक क्योंकि जोड़ियाँ टूटी है तो ये दिव्या के लिए भी एक एडवांटेज हो जाएगी, तो आई थिंक इट्स गुड इन अ वे, अच्छा है, थोड़ा सा शो दिलचस्प हो जाएगा, कोशिश करेगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो, मैं ले लूँ कॉफ़ी, ले लूँ हाँ, अरे मैं ले लूँ, आप लोग कुछ पियोगे बोलो सच्ची, शर्मा बता। मैंने यार एक चीज़ सीखी कि पेशेंस,
पेशेंस एक बहुत ही हम लोग पेशेंस को ग्रांटेड लेते हैं। वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी में अगर आप पेशेंट रहो, अगर आप अपना दिमागी संतुलन बना के रखो, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई थिंक पेशेंस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट आई लर्न फ्रॉम द। और अगर मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी बिग बॉस के घर से, तो मेरी हिंदी बहुत हद तक साफ हो गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही शुद्ध हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ। नहीं तो पहले मेरी हिंदी ऐसे होती थी कि हाँ वो सो व्हाट आई वाज सेइंग इज गाइस, ऐसा होता है कि आज आई वाज ऑन द स्ट्रीट टेकिंग अ वॉक, और उसके बाद तो ऐसी टूटी फूटी रहती थी। तो आई थिंक मैं मोर कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात कर सकता हूँ, ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बोल सकता हूँ, तो मेरी हिंदी अच्छी हुई है। तो थैंक यू बिग बॉस फॉर दैट। अगर आपकी फ्रेंडशिप की बात करें तो किससे काफ़ी ज़्यादा बनती थी घर के अंदर आपकी? कनेक्टिविटी में तो यार दिव्या की बनती थी। बस अगर दो लड़कों में कनेक्शन बन पाता दोस्ती का, तो आई थिंक मैं और गाबा एस कर देते भाई। ये सीज़न तो फिर मेरा और गाबा का ही होता, मेरा और दिव्या का भी था, बट ऑब्वियसली चीज़ें हुई, मुझे निष्कासित कर दिया गया। बट दिव्या ने बहुत ही ब्रेवली खेला, शी प्लेड लाइक अ वॉरियर एंड आई एम मोर देन हैप्पी यार, क्योंकि मेरी कनेक्शन थी एंड शी डिड अमेजिंग एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेसर फ्रॉम हर, एंड आई थिंक वो ऑडियंस को भी दिख रहा है। सो मैं और गाबा वी आर ऑल्सो रूटिंग फॉर दिव्या, एंड वी नो इन आर हार्ट्स दैट शी इज़ गोना लिफ्ट दैट ट्रॉफी अप। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। एक बहुत ही छोटा शब्द है, अगर मैं आप सभी से मिल पाऊँ, अगर मैं आप सभी को बता पाऊँ कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ, जो प्यार आप लोगों ने दिया वो मैं अगर आपको दे पाऊँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आप सभी को वो प्यार दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई वुड हग एंड किस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड नथिंग कैन चेंज माई लव फॉर यू गाइज, आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। I'm scared. Oh. And I need help. What help do you need? I need to.